सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टीम एजुकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम मैं आप एक रीडिंग बनाइए जिसमें सॉन्ग भी इंक्लूड करिए। सो फाइनली मैं उस पिककार रीडिंग के साथ आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं आपसे इस कनेक्शन से, और उसके अलावा हम यहाँ पे सॉन्ग्स भी देखेंगे कि वो क्या सॉन्ग्स जो है आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सो एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पे 3 पायल हैं, आप इनमें से कोई भी एक पायल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। सो ये है आपका पायल नंबर 1, उसके बाद है हमारे पास पायल नंबर 2 और देन वी हैव द पायल नंबर 3। आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का टाइमिंग जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेरे ईमेल आईडी पे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, तो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, सो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि इस सैटरडे को आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके कोई भी एक क्वेश्चन जो है या एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। सो मैंने अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम भी दिया है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो पहले हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे कार्ड्स के थ्रू, उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपकी पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं, और हम चार्म्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो जोडियक साइन आ रहे हैं, एक सेकंड, मैं ये धीरे कर दूँ, बहुत तेज़ बज रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो जोडियक साइन मुझे यहाँ पे दिखते हैं वो मुझे यहाँ पे लग रहा है जेमिनाई, पाइसिस, लिब्रा, लियो, और इसके अलावा हो सकता है पर्सन कैंसर हो या फिर वर्गो हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सेजिटेरियस भी दिख रहा है, सारे साइन नहीं दिख रहे बट जो मैंने आपको बताए हैं पर्टिकुलरली वो ही हैं। सो कार्ड्स में मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ कुछ कार्मिक लेसन चल रहा है, कुछ लोगों के ये कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि ये जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन डीप डाउन आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ कुछ फैमिली लाइफ पहले सोची होगी या पहले सोचा होगा कि आप दोनों की शायद शादी हो जाएगी, आप लोग साथ में रहोगे, लेकिन कुछ लड़ाई झगड़े हुए और आप लोगों का या तो ब्रेकअप हो गया या आपकी बात नहीं हुई। और या ये पर्सन अगर अभी नए नए आपकी ज़िंदगी में आए हैं, आपका क्रश है इस पर्सन पे, तो ये पर्सन जो है बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। ये पर्सन अपनी खुद की फैमिली चाहते हैं लेकिन ये चीज़ दिखाते नहीं है, ये दिखाते तो ऐसे हैं कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत दिमाग से सोचते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, हर चीज़ जो है वो दिमाग से सोच के करते हैं, इस तरीके से पर्सन दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक चेंज चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपके साथ कुछ चेंज चाहते हैं, इस कनेक्शन को दोबारा या तो बनाना चाहते हैं या चीज़ें इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ चेंज दिख रहा है जो ये पर्सन चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने या फिर आपने पहले इनसे कोई झूठ बोला हो या इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला हो। अगर ये पर्सन नए हैं तो हो सकता है कि पर्सन जो ये रियलिटी में जैसे हैं वो वैसे आपके साथ बिहेव नहीं कर पाते, अपनी रियलिटी की वो जैसे हैं आपको दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसे पास्ट के लेसन रहे हैं जिस वजह से ये डरते हैं। मुझे यहाँ पर डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फियर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन के लिए। और देखते हैं कि पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो इस पर्सन को लगता है कि आप इनको बहुत सपोर्ट किया आपने इनको लाइफ में, कहीं ना कहीं इमोशनली। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, आई टोल्ड यू, ये जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स लगते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रांग लव है, लेकिन हाँ ये जो पर्सन है वो आपको लाइक ज़रूर करते हैं, काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं यहाँ पे इस चीज़ को लेके। उसके अलावा यहाँ पे जो मुझे दिखता है वो ये है कि अगेन यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं इस कनेक्शन में, दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या पहले आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि चीज़ें आगे कहाँ जाती हैं, उसके बाद ये जो पर्सन है वो डिसाइड करना चाहते हैं।
क्योंकि अभी ये जो पर्सन है लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके बहुत परेशान चल रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि कुछ बहस हुई है, जस्ट बिकॉज शायद हो सकता है कि लॉकडाउन में ये पर्सन जो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, आप इनसे बात नहीं कर रहे थे, और ईगो को लेके दोनों में बहुत बहस हो गई और अब दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी परेशान है अपनी लव लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, और उसके बाद हम चार्म से भी देखेंगे। तो ये मैंने रेंडमली रखे हैं, मैं आईज क्लोज करके जस्ट कोई भी एक निकाल लेती हूँ इसमें से। ओके, यहाँ पे दो आ गए हैं, सो चलिए पहले हम देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट सॉन्ग जो है हमारे पास वो है क्या करूँ। सोचता हूँ मैं हर एक दिन ये, क्या बातें करूँ क्या जानूँ मैं तुझसे, कहता हूँ मैं हर दिन खुद से, सपना है तू पाऊँ तुझे कैसे। रोज यूँ खो रहा हूँ, बेवजह गा रहा हूँ, रात दिन तेरा नाम। कभी कभी लगता है कि तू एक अपना है, तेरे बिन अब मैं क्या। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा सॉन्ग है, अगर तुम साथ हो। ओके, तो अब हम ये वाला सॉन्ग देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको गाने पसंद आए होंगे। मेरा मन था कि मैं वीडियो ऐड कर दूं, तो इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा किया, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। सो अब हम चार्म्स देख लेते हैं। सो मैं अपनी आंखें क्लोज कर रही हूँ, आई एम क्लोजिंग माय आईज एंड आई एम गोइंग टू पुल सम चार्म्स फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ चार्म्स निकालने वाली हूँ। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो सेम कॉलेज में पढ़ते हो या सेम स्कूल में पढ़ते हो, इस तरीके की है, या वर्क प्लेस सेम हो आप दोनों का, या वर्क की फील्ड सेम हो। काफ़ी स्ट्रांगली ये चीज़ आ रही है। हो सकता है इस पर्सन का बर्थडे दिसंबर में आता हो। पीस यूनिवर्स, वाओ, हमारे पास यहाँ पर रिंग आई है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, कुछ न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, कुछ नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 है, यहाँ पे हमारे पास डिले है, तो चीज़ों में शायद डिले हो रही है, देरी हो रही है, और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है। ओके, ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, मतलब कि ये जो पर्सन आए हैं ये पहले से ही आपके लाइफ में दिखे गए थे कि आपको कुछ लेसन देने के लिए आएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ अल्फाबेट इस पर्सन का हो। और ये जो ब्लू स्टोन है, बड़ा ही फील कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं क्लियरली। शायद आप दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से दोनों को ही काफ़ी दिक्कत हो रही है। सो अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस पर्सन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पायल टू, सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कल सैटरडे है, और सैटरडे को मैंने इंस्टाग्राम पर एक न्यू ऑफ़र निकाला है जिसमें आप 111 रुपीज़ में कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेशक आप किसी और कंट्री में रहते हो, किसी और देश में रहते हो, तो आप अपनी करेंसी में उसको चेंज करके वो जो मनी है उतना ही आपके लिए लगेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी। सो उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और नीचे मैंने अपना इंस्टाग्राम यूज़र नेम जो है वो दे रखा है।
सो पहले हम कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे आपके सॉन्ग्स और चार्म्स. ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि आपकी पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं. सबसे पहली बात तो हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली है 70% केसेस में शायद ये पर्सन जो है आपका रिलेशनशिप जो है वो एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप शुरू हुआ हो, या ये जो कनेक्शन है बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में. अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पर्सन में ऐसा क्या है जो आप इतना अट्रैक्शन फील करते हैं. इस पर्सन को भी सेम चीज़ ही लगती है आपके लिए. उसके अलावा मुझे यहाँ पे दिखता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या हो सकता है पर्सन लियो हो, एरीज या सजिटेरियस हो, इनमें से कोई भी साइन हो सकता है इस पर्सन का. उसके अलावा मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि काफ़ी स्टबन हो, मतलब ज़िद्दी हो, थोड़ा गुस्से वाले हो, या आप हो सकते हैं इस तरीके के. बाकी ये जो पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके कन्फ्यूज़ है. हो सकता है कि या तो कोई दो लोग हो जिसके बीच में कन्फ्यूज़ हो, या कहीं ना कहीं आपको लेके कन्फ्यूज़ है. यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी है कि शायद आप जो है आप कुछ कमिटमेंट चाहती हैं इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन नहीं चाहते हैं. इस तरीका का भी हो सकता है कि पर्सन ऑन एंड ऑफ रहते हैं कि आज मैसेज आया, दो दिन नहीं आया, फिर मैसेज आया. इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है. तो ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स. अगर आपसे मैच नहीं करती है तो आप कोई और पाइल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पर्सनल रीडिंग भी, पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं. हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता हो कि आप दोनों के बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं, मतलब कुछ फैमिली का प्रॉब्लम है, या समय जो है वो आपके अभी सपोर्ट में नहीं है, या चीज़ें जो हैं आपके साथ फेवर में नहीं चल रहा, लग कहीं ना कहीं. उसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी शादी को लेकर आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस पर्सन को. कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपको छोड़ना नहीं चाहते, इस कनेक्शन से दूर नहीं जाना चाहते हैं. मुझे कुछ ऐसा भी आ रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन जो है मैरिड हो, और ये पर्सन अपनी वाइफ को या अपनी हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपके साथ भी कनेक्शन में रहना चाहते हैं. ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपसे खुद मैसेज करते हो, या बात करते हो, या आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली सारी चीज़ें बोल जाते हो कि आपके साथ ये शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ ये वैसे कनेक्शन में रहना चाहते हैं. मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो है, तो अगेन डेथ कार्ड है यहाँ पे. तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आ रही है. देयर इज़ लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी ओवर हेयर इन दीज कार्ड्स. ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा फील करते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली. और मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपका इस पर्सन पे क्रश है, और अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में कोई चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई हैं इस कनेक्शन के बीच में, तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं उन चीज़ों को लेके. उसके बाद आगे जाके ये देखना चाहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा. और शायद उस केस में अगर आपने इनको डेट करते हुए अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, ये पर्सन जो है किसी के साथ मतलब शादीशुदा नहीं है, या किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं है, तो काफ़ी चांसेस है कि इन फ्यूचर जाके आपके पर्सन आपको डेट करे. लेकिन हाँ, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा शादी के बारे में या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आपके साथ नहीं सोच रहे हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या सॉन्ग आपको ये डेडिकेट करना चाहते हैं पर्सन. सो चलिए देख लेते हैं. प्लीज़ यूनिवर्स, मैं ये यहाँ पर रख लेती हूँ. जिन भी लोगों ने पायल नंबर 2 चूज़ किया है, इनके पर्सन को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे आया है जन्म जन्म. जन्म 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 साथ चलना ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा. मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस सदा. मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना. सो चलिए हम एक और सॉन्ग देख लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. सो यहाँ पे हमारे पास है जो तू ना मिला.
दिखाऊंगा दिल को क्या बताऊंगा। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सॉन्ग्स अच्छे लगे होंगे। तो चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं इस पर्सन के लिए। हमारे पास है हिडन, डब्लू स्माइल, ग्रीन मून, टॉरस। ओके, पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं। और एच, डब्लू, ई, इनमें से कोई इनका अल्फ़ाबेट जो है इनका नाम इससे शुरू हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे जो ये चांस देख के जो मुझे लगता है यहाँ पे, सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिए 4411, ये मैंने अभी नोटिस किया। एक्चुअल में बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है कि पर्सन आपको लाइफ में कोई लेसन दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांग लेसन है जो आपके जीवन में, ये पर्सन जो है कोई भी पर्सन है, ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। बहुत स्ट्रांग है ये चीज़, और ये चेंज जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग चीज़ है यहाँ पे। उसके अलावा जो मुझे और दिखाई देता है या जो और लगता है, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको और कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं ये आपके बारे में। मे बी अभी ना हो, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस पर्सन ने आपके जीवन में बहुत बड़ा ये बदलाव लेके आए हैं, या इस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में। सो अगर आप और डिटेल में रीडिंग जानना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में कि इनकी और क्या इंटेंशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या चाहते हैं वो आपसे इस कनेक्शन से। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि कल सैटरडे को मैं इंस्टाग्राम पे 1 question रीडिंग दे रही हूँ 111 रुपये में, जो आप अपनी खुद की कंट्री की करेंसी में बदल सकते हैं। और अगर आप पेपल की ऐप यूज़ करते हैं तो आप वो रीडिंग करा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम यहाँ पे मैंने दे रखा है। सो चलिए देखते हैं, एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे नहीं मैच करती है तो आप किसी और पर्सन की रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आप पर्सनल पेड टैरो रीडिंग भी करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, नंबर ऊपर गिवन है। पहले हम कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद हम सॉन्ग्स देखेंगे एंड चार्म्स देखेंगे। सबसे पहले बात जो मुझे लगती है कि ये पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि पर्सन इमोशनली भी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, आप पे डिपेंड नहीं है। हो सकता है कि पर्सन जो है कोई सरकारी नौकरी करते हो, या टीचिंग में हो, प्रोफेसर हो, एजुकेशन हो, इनमें से कुछ भी चीज़ हो सकती है, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे एक अर्थ साइन दिखता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, या फिर यहाँ पे वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन क्या चाहते हैं, ये जो पर्सन है अभी अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान चल रहे हैं, ये पर्सन जो है बेशक आपके साथ किसी कनेक्शन में हो, आपको लाइक भी करते हो, लेकिन ये पर्सन अभी पूरी तरीके से एक प्रॉपर स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है कि ये जो पर्सन है अभी कुछ समय लेना चाहते हो, मे बी इन्होंने आपसे बात भी कही हो, या ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आप दोनों का की बात होना बिल्कुल बंद हो गई हो, इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, मे बी आपने इस पर्सन को काफ़ी मनाने की कोशिश करी या कन्विंस करने की कोशिश करी कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में आगे को सोचे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत कन्फ्यूज है, अपने पास से भी पूरी तरीके से पर्सन बाहर नहीं निकल पाए हैं। कुछ लोगों के मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, और अभी आप लोग सेपरेशन में, आप साथ में नहीं हैं, हो सकता है आप लोगों का कोई कोर्ट का केस भी चल रहा हो इस पर्सन के साथ। ये जो पर्सन है वो आपसे ये चाहते हैं कि आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा नहीं है कि मन में आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लगाना नहीं चाहते हैं। और कार्ड्स निकाल लेते हैं हम, या
किंग ऑफ सॉर्ड्स, मे बी ये पर्सन आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, और ये इस कनेक्शन को लेके भी दिमाग से सोच रहे हैं और दिमाग से ही सोचना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने ये पर्सन नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन अभी अपने करियर को लेके भी परेशान हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, करियर पे ध्यान देना चाहते हो। कुछ लोग के लिए मुझे लगता है कि अगर ये मेल है तो हो सकता है कि ये मैरिड हो, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स, ये पर्सन इनसे क्या चाहते हैं? ये पर्सन जानते हैं कि आप इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, आप इन्हें लाइक करते हैं, बहुत स्ट्रांगली जानते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन से आगे मूव कर गए हो। आई एम रियली सॉरी गाइस, बट मैं आपको सब कुछ पॉजिटिव नहीं बताना चाहती हूँ, जो रियलिटी में मुझे दिख रहा है मैं सिर्फ वो आपको बता रही हूँ। सो या, ये हो सकता है पर्सन आपसे मूव कर गए हो, उस कनेक्शन से ये मूव करना चाहते हो, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है वो आपसे काफ़ी दूर रहते हो, किसी और सिटी में रहते हो। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, वो थोड़ा सा भी परेशान होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनकी हेल्प कर दो, आप इनकी मदद कर दो। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है वो ये है कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं एज अ जेन्युइन पर्सन। इनको लगता है कि आप बहुत जेन्युइन हो, आप दिल के अच्छे हो और दिल के काफ़ी साफ पर्सन हो। लेकिन अगर एक स्ट्रांग लव कनेक्शन की बात आए तो वो ये पर्सन आपके लिए फील नहीं करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या चाहते हैं ये पर्सन? या टू ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है बहुत कंफ्यूज है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत कंफ्यूज एनर्जी है, और मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हो सकता है इस पर्सन की अपनी खुद की फैमिली हो, मैरिड हो, बच्चे हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, या वर्किंग जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे ये पर्सन मिले हो। ये पर्सन अभी आपके इस कनेक्शन में लव नहीं डालना चाहते, और यहाँ पे मुझे आई एम रियली सॉरी बट मुझे एक एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि आप इस पर्सन पे इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो, आप अपनी खुशियाँ इस पर्सन में ढूंढ रहे हो, जबकि आपकी तरफ से मुझे एक लैक ऑफ सेल्फ लव दिख रहा है, सेल्फ लव की काफ़ी कमी है। और ये जो पर्सन है ये आप पे इमोशनली डिपेंड नहीं है, ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, काफ़ी सेल्फिश है, अपनी चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, ये आपकी चीज़ों को नहीं देखते हैं। बट कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि पर्सन जो है अच्छे हैं, स्टेबल है लाइफ में, अच्छा इनका करियर है, या अच्छी जगह ये रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, और आपको लगता है कि आपका इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ अच्छा होगा, लेकिन ये पर्सन आपको लेके कन्फ्यूज है। इस पर्सन को आपको लेके कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सिर्फ आपके साथ अभी अपना प्रेजेंट जीना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में पर्सन बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं। सो लेट्स सी कि पर्सन आपको क्या सॉन्ग जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं। गाइस, आई नो ये बहुत स्पेसिफिक थी थर्ड पाइल वाली रीडिंग, अगर आपसे मैच नहीं करती है तो आप सेकेंड या फर्स्ट पाइल देख सकते हैं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। चलिए अब इस पर्सन का सॉन्ग देख लेते हैं। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, आई एम रियली सॉरी, मे बी ये पर्सन, इस पर्सन ने कुछ किया है, ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन ये भी कहना चाहते हैं कि अभी ये इस कनेक्शन में आ नहीं सकते, ये आपको कुछ लॉन्ग टर्म दे नहीं सकते हैं। ओके, सो सॉन्ग हमारे पास है, सो यहाँ पे सॉन्ग है सच कह रहा है दीवाना दिल, फ्रॉम रहना है तेरे दिल में। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सॉन्ग अच्छा लगा होगा। सो यहाँ पे मैंने एक और निकाला था, सो दूसरा यहाँ पे है बोल दो ना जरा। देखा जब से चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं,
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सॉन्ग्स अच्छे लगे हो। मैंने ये जान के सॉन्ग्स ऐड किए थे बोलने की जगह, बिकॉज मुझे लगा वो थोड़ा और बेटर हो जाएगा। तो चलिए हम चांस देख लेते हैं इस पर्सन के लिए। ओके, सो आई हैव जस्ट हर्ड दिस पर्सन इज टेलिंग यू, ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि बी हैप्पी, लाइफ में खुश रहिए, आप बहुत लकी हैं, आपको लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा मिल सकता है, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। या यहाँ पे डोर भी बना हुआ है, इस पर्सन को लगता है आपको ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे। यहाँ पे के है, यहाँ पे आए है जेमिनाई, ये पर्सन जेमिनाई भी हो सकते हैं। यहाँ पे लियो और कैंसर भी है, लियो कैंसर पाइसेस बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन। अगेन आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है कि कोई केस चल रहा हो, कोर्ट केस, काफ़ी पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। हो सकता है कि आप म्यूज़िक से काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं, और ये जो पर्सन है इस पर्सन को बीचेस काफ़ी पसंद है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बीचेस हो गए, या फिर हो सकता है इस पर्सन को फॉरेस्ट काफ़ी पसंद है। सो या दिस इज़ ऑल फॉर द पीपल हु पिक्ड पाइल नंबर 3। और अगर आप डिटेल में इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पेड पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके, और अगर ये आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।